हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना यश पारिया। तो आप भी सी स्टूडेंट, मैं भी सी स्टूडेंट, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि टाइम होता भी नहीं है ज़्यादा वेस्ट करने के लिए। तो आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं कैसे अपना सी इंटर का ग्रुप वन रिवाइज कर रहा हूँ इस टाइम पर। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है ना कि मैं जब भी कुछ रिवाइज करने के लिए बैठता हूँ तो मैं उससे पहले उसकी वीडियोस देख लेता हूँ। मतलब थोड़ा रिविजनरी वीडियोस यूट्यूब पे होती हैं, मतलब मैंने अन अकेडमी का ले रखा है तो वहाँ होती हैं। तो उससे क्या होता है ना, पूरे कंसेप्ट एक बार दिमाग में आ जाते हैं ना, उसके बाद रिवाइज करता हूँ तो अच्छे से हो जाता है। बाकी मेरा कुछ शेड्यूल है, हालांकि मेरा कुछ टाइम फिक्स नहीं है कि मैं इतने बजे करूंगा उतने बजे करूंगा, वो चीज़ मेरे पे कभी फॉलो हो ही नहीं पाती। हर बार बनाता हूँ, अभी भी देखो इस पेज में बना हुआ रखा है पर मैं उसे फॉलो कभी नहीं करता। बस मैं अपने मोबाइल में नोट्स होते हैं ना, उसमें मैं लिख लेता हूँ कि आज का मेरा ये टारगेट है, आज का मेरा ये टारगेट है। कुल मिला के दिन खत्म खत्म होते हुए मुझे वो टारगेट पूरे करने हैं। मुझे ये कोई लेना नहीं है कितने बजे क्या हो रहा है, बस ये टारगेट पूरे होने चाहिए। तो मेरा कुछ ऐसा है कि मतलब मैं एक दिन में पूरे चारों सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करता, मैं एक दिन में दो ही सब्जेक्ट रिवाइज करता हूँ सिर्फ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करता हूँ, धीरे धीरे जुड़े रहो, मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे मंडे के दिन मैं अपनी जो भी मुझे रिवाइज करना होता है, मतलब जो भी चैप्टर रिवाइज करने होते हैं, मैं डीटी और कॉस्टिंग दो सब्जेक्ट मंडे को करता हूँ। और मैं जो भी कर रहा होता हूँ उसकी मैं पहले वीडियोस देखता हूँ। जैसे डीटी कॉस्टिंग कर रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहा हूँ, प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं पहले उसकी दो एक दो घंटे की वीडियोस देख लेता हूँ। और फिर मैं मतलब कोशिश पूरी करता हूँ कि उसी दिन मैं उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर दूँ पूरा रिवाइज करके। तो इससे क्या, और फिर अगले दिन मतलब एक दिन छोड़ के अगले दिन दो अलग अलग सब्जेक्ट, उसके अगले दिन मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह लगाने का ट्राई करता हूँ। हालांकि नहीं हो पाता, कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा एक चैप्टर बड़ा होता है तो नहीं हो पाता एक ही दिन में, तो फिर मैं उसे अगले दिन ट्राई कर लेता, अगले दिन कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ, पर जो टारगेट मैं लिखता हूँ नोट्स में वो मैं करता जरूर हूँ पूरे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पाता, तो वो अलग केस है, वो एक्सेप्शन है। जैसे मंडे को मैं डीटी और कॉस्टिंग करता हूँ, और डीटी में भी ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो आप, क्योंकि अगर आप पढ़ते चलोगे ज्ञान लेते चलोगे, लेकिन जब तक उसको खुद अप्लाई नहीं करोगे आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मेरे साथ हुआ था मैथ में। मैं मैथ में जब क्लास क्लास देख रहा था फाउंडेशन में, तो मुझे बड़ी दिक्कत आ गई थी एग्जाम में, खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा था ना। ऐसे अकाउंट्स में भी होता है, लॉ में भी होता है, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होता। हालांकि लॉ में रिटर्न प्रैक्टिस तो मैं अभी भी कुछ खास कर नहीं रहा हूँ। और जैसे मैं मंडे को डीटी और कॉस्टिंग करता हूँ, और मैं ट्यूसडे को अकाउंट्स और लॉ करता हूँ। और लॉ की भी मैं पहले एक जो भी चैप्टर रिवाइज करने वाला होता हूँ उसके मैं एक वीडियो पूरी देख लेता हूँ, एक दो घंटे में पूरा रिवीजन हो जाता है किसी भी वीडियो से देखना हो तो। और उसके बाद मैं ना पूरी जो मेरी मॉड्यूल मॉड्यूल में से मैं थोड़ा कम पढ़ता हूँ, हालांकि मॉड्यूल हमारी भगवत गीता है, हमें मॉड्यूल में से पढ़ना चाहिए, पर अब 2 महीने का टाइम बचा है, अब मॉड्यूल में से पढ़ के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां तक मेरा मानना है तो। मतलब हाँ, लेकिन मैं मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं पूरे सॉल्व करता हूँ, मतलब उसे पढ़ लेता हूँ एक बार। अभी मैं रिटर्न प्रैक्टिस अभी मैंने शुरू करी नहीं है। और उसके बाद अकाउंट्स की बात रही, तो अकाउंट्स में मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं देखता, अकाउंट्स में तो सिर्फ प्रैक्टिस 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 वीडियोस अकाउंट्स में नहीं देखता ज़्यादा मैं। और फिर से वेडनेसडे को वही डी टी कॉस्टिंग, और थर्सडे को GST आ जाती है, अकाउंट्स प्लस GST। लॉ थोड़ा मैं एक दिन छोड़ देता हूँ उस दिन, फिर अगले फ्राइडे के दिन फिर से डीटी कॉस्टिंग, फिर सैटरडे के दिन फिर अकाउंट्स लॉ, संडे के दिन GST अकाउंट्स। तो ऐसे ही कर करके मेरा पूरा शेड्यूल चलता रहता है, और रोज इन सबकी रिविजनरी क्लासेस साथ में देखता रहता हूँ। और जो भी मैं पढ़ता जाता हूँ अगले दिन की सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा उसे रिवाइज जरूर कर लेता हूँ। और आप सबसे ज्यादा अभी मैं आपको अपनी बताऊं तो मुझे थोड़ी टैक्स में दिक्कत आ रही है, कि टैक्स थोड़ा दिक्कत दे रहा है मेरे को अभी, पर फास्ट ट्रैक बैच कर रहा हूँ अभी, देखो क्या होता है। अभी 2 महीने हैं, मेहनत पूरी कर रहा हूँ, फिर से पढ़ना शुरू कर दिया है गुड वॉल्यूम 2 था मैंने, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रही थी, मैंने सोचा अभी 2 महीने हैं, 1 महीने में क्लास पूरी देख लेता हूँ फिर से तो सही रहेगा पूरा। और बाकी ऐसे ही मैं अपनी रिविजन कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो कमेंट कर देना कि हाँ ये थोड़ा हेल्पफुल था। और मैं कुछ टिप देना चाहूँ तो मैं क्या दूंगा आपको, कि प्रैक्टिस बहुत करो। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो बहुत क्लास देखते हैं, मतलब बहुत सारी क्लास देखी होती है, उन्हें अच्छी अच्छी कोचिंग पर जाते हैं तो भी वो पास नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस नहीं करते, सेल्फ स्टडी नहीं करते। और आजकल तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आ गए, हम सिर्फ क्लास क्लास पर ध्यान देते हैं, हम खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते। लेकिन एक चीज बताऊं, आप चाहे इतनी क्लास देख लेना, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज में खुद दिमाग नहीं लगाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना तो यही है कि क्लास पर ध्यान, जैसे जो बंदा जिम जाता है उससे पूछना, उसमें ऐसा होता है कि 70% आपकी डाइट जरूरी है, 30% वर्कआउट।
वैसे ही इसमें होता है, इसमें 50-50 का रेशियो समझ लो आप, कि 50% आपको क्लास के ऊपर होता है कि आपने कैसी क्लास ली है, कैसे कंसेप्ट पढ़े हैं, 50% होती है आपकी सेल्फ स्टडी की, आप खुद उस चीज में दिमाग लगा के उस चीज में घुस रहे हो, खुद अपना दिमाग लगा के कर रहे हो, तो ऐसा कुछ होता है इसमें। तो यही बोलूंगा कि सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करो, आखिरी टाइम में स्क्रीन टाइम इतना मत बढ़ा देना कि सेल्फ स्टडी को टाइम ना मिले ऐसे टाइम पे। और यही मेरी टिप है और यही मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि मैं भी खुद इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, मतलब अभी मेरा खुद इंटर का एग्जाम है, लेकिन मैं जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मैं आपको बताता जा रहा हूँ, शायद आपको यूजफुल लगे। थैंक यू सो मच।